my name is Kaushik we are doing history of English literature and this is uh, the section where we are doing a discussion over all works by Shakespeare and this is part fourth we have already done the first second and third and we are now going to cover all dramas by Shakespeare so in this segment in this lesson we will be doing Antony on Cleopatra first as i earlier told you two three things we should know about uh, if we are studying any drama or novel first is what kind of uh, genre is so antony and cleopatra is tragedy second is the sources of the work so chief source of the works are life of antony by plutarch and here one another question you can remember that this life of antony was translated by sir thomas north जो लाइफ ऑफ एंटनी था प्लूटार का उसे ट्रांसलेट किया गया था सर थॉमस नॉर्थ के द्वारा द प्ले प्रेजेंट्स मार्क एंटनी यहाँ पर जो अब कैरेक्टर्स की बात आती है एंड स्टोरी की बात आती है कि हम स्टोरी कैसे याद करें तो आ, सबसे पहले कैरेक्टर आप लोग देख लीजिए और स्टोरी उसके साथ साथ चलती रहेगी मार्क एंटनी है मार्क एंटनी एक एक ग्रेट सोल्जर है और एक नोबल प्रिंस है जब वो अलेक्जेंड्रिया में होता है वैन ही वॉज इन अलेक्जेंड्रिया he was enthralled by the beauty of the Egyptian queen uh, Cleopatra. वो Egyptian queen को देखता है Cleopatra को और उससे वो बहुत uh, enthralled होता है, आकर्षित होता है. Recalled by the death of his wife Fulvia, जब उसे अपनी wife Fulvia की uh, death की बात याद आती है. Political development, he tears himself from Cleopatra. वो Cleopatra से दूर हो जाता है and returns to Rome. वो कहाँ आ जाता है? Rome आ जाता है. वेर द एक्सटेंजनमेंट बिटवीन हिम एंड ऑक्टिवियसर इज टर्मिनेटेड बाई मैरिज टू ऑक्टेबिया जब ऑक्टिविया कौन है ऑक्टिवियस ऑक्टिविया उससे उनकी शादी हो जाती है एंड इवेंट विच प्रोवोक द इंटेंस जेलिस ऑफ क्लियोपैटा और क्लियोपैटा काफी जेलस फील करती है बट द रिकनसिलिट एंड एंटनी लिवस ऑक्टिविया एंड रिटर्निप्ट एंटनी क्या करता है कुछ दिनों बाद ऑक्टिविया को छोड़ देता है एंड रिटर्न्स टू इजिप्ट और इजिप्ट चला जाता है एट द बैटल ऑफ एक्टियम जब बैटल ऑफ एक्टियम होता है द फाइट ऑफ द इजिप्टियन स्क्वाड्रम इज फॉलोड बाय द रिट्रीट ऑफ एंटनी परस्यू टू एलेक्सेंड्रिया बाय सीजर और उसको जब एंटनी इजिप्ट में होता है तो उसे परस्यू करता है सीजर uh, सीजर उसका पीछा करता है देयर आफ्टर अ मोमेंट्री सक्सेस एंटनी इज फाइनली डिफ़ीटेड थोड़ी सी उसे सक्सेस तो मिलती है लेकिन एंटनी फिर फाइनली उसकी हार हो जाती है ऑन दी फॉल्स रिपोर्ट ऑफ क्लियोपेट्रा डेथ क्लियोपेट्रा की जो फॉल्स रिपोर्ट होती है कि वो उसकी डेथ हो गई है ही फॉल्स अपॉन हिज हि और वो खुद ही अपनी शॉर्ड से uh, वो अपनी शॉर्ट के ऊपर गिरता है इट मीन्स

जब वो सीजर की जो पावर होती है आ, सीजर उसको कैप्चर कर लेता है क्लियोपेट्रा को बट डिटरमिन नॉट टू ग्रेस हिज टर्म ट्राइम टेक्स हर ओन लाइफ और वो खुद भी uh, मर जाती है अब वो कैसे मरती है ये याद करना एक इम्पोर्टेंट uh, चीज है वो है विद द बाइट ऑफ एन एस्प एक छोटे से जहरीले सांप से वो क्या कर लेती खुद को कटवा लेती है और फिर वो मर जाती है नेक्स्ट जो वर्क है वो है आपका कॉरियोलैनिस कोरियोलैनिस एक ट्रेजिडी है अगेन जेना की बात करें तो एक ट्रेजिडी है सोर्स की बात करें तो नॉर्थ वर्जन ऑफ प्लूटाक्स लाइफ ये भी प्लूटाक्स का जो वर्क है लाइफ ऑफ कैसियस मार्टियस कॉलिनियस कॉलोनिस कैसियस मार्सियस अ प्राउड रोमन जनरल परफॉर्म्स वंडर ऑफ वैलिया वॉर अगेंस्ट दी वॉलियन जो कैसियस मार्कस है वो वॉल्सियंस के अगेंस्ट एक वॉर शुरू करता है एंड कैप्चर्स टाउन कोरियल कोरियली कॉरियल कोरियली टाउन को कैप्चर कर लेता है रिसीव्स रिसीविंग इन कंसीक्वेंस कंसिक्वेंस सर नेम कॉरियोलस तो उसे इससे एक सर नेम मिल जाता है Linus, में, जो ड्रामा है उसका नाम भी कॉरियोलिस है On his return, it is proposed to make him consul, but his arrogant and outspoken contempt of the Roman rabble makes him unpopular with the fickle crowd, and the tribunes of the people have no difficulty in securing his banishment. Of Jozuka nature, people don't uh, really like that later, and then he was banished. He goes to Walshian general. ऑफिडियस अब वो वॉलियन जनरल ऑफियस के पास जाता है हिज एनमी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इज रिसीव डिलइट एंड लीड्स दॉल्सियन अगेंस्ट रोम टू इफेक्ट हिज रिवेंज तो वो वॉलियन रिसिव्ड विद डिलइट अब उसका जो एनमी था हिज लॉन्ग एनमी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इज रिसीव्ड विद डिलइट एंड लीड्स दल्सियन अब वो वॉल्सियन को लीड्स करता है लीड करता है अगेंस्ट रोम टू इफेक्ट हिस्स रिवेंज बदला लेने के लिए फिर वापस ही रिचेज दॉल ऑफ सिटी एंड रोम सेव इट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सैंड एमसेरीज ओल्ड फ्रेंड ऑफ कॉरियोलैनस टू परपोज टर्म बट इन वैन अब वो एमिसरीज को भेजते हैं वहाँ पे की बात करने के लिए रोमन्स लेकिन कोरियोलेनस इस बात को एक्सेप्ट uh, नहीं करता और ये उनका प्रपोजल होता है उसे रिजेक्ट कर लेता है फाइनली हिज मदर वॉलिमिया जो वॉलिमिया है हिज मीक वाइफ वर्जीलिया और उसकी वाइफ जो है वर्जीलिया एंड हिज सन कम टू बिसीच हिम टू स्पेयर द सिटी ये सारे लोग उसको उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि जो सिटी है उसे आप छोड़ दीजिए एंड ही यीड्स टू दिल्कुंस ऑफ हिज मदर

वो उसको बिट्रेइंग कहता है अक्यूज ऑफ बिट्रेइंग वो उससे कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया है और वॉल्सियन इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा एंड द असिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेटर्स ऑफ फैक्शन पब्लिकी पब्लिकली किल्स कोरियोलैनस और कोलियोलैनस को मार देता है टीम ऑफ टीमन ऑफ एथेंस अब बात करते हैं ऑफ एथेंस की ये एक वर्क है जो अनफिनिश्ड है कोलेब्रेशन विद मिडल्टन ये थॉमस मिडल्टन के साथ में उनका एक कोलेब्रेशन था सोर्सेस की बात करें तो ये प्लोटाक्स की लाइफ ऑफ एंटनी जो हमने पिछला देखा था पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर एंड लूसियंस टीम एंड दिजिन थ्रॉप एंड अनोनिमस प्ले टीमन तो ये इतने जगह से इसका ये सोर्सेस था ये आपको नोट करना है टीमन रिच एंड नोबल एसनियन ऑफ गुड एंड ग्रेसियस नेचर का एक ग्रेसियस नेचर का एक नोबल एसिनियन है uh, friends, उसके जितने दोस्त हैं उन वो काफ़ी ज्यादा खर्च करता है टर्न टू द रिचेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर असिस्टेंस इन इज डिफिकल्टीज और अपने एक फ्रेंड के पास असिस्टेंट्स के लिए जाता है अपने डिफिकल्ट टाइम में एंड इज डिनाइड एंड डिजर्टेड बाय ऑल हु हैड प्रीवियसली फ्रिक्वेंटेड हिम जो उसके साथ पहले रहते थे उनको उन सभी ने उसको छोड़ दिया है ही सरप्राइज दीज बायटिंग दैम वंस मोर बैंकुट सो फिर से उन सभी को एक बैंकुट में बुलाता है बट वैन the covers are removed from the dishes timon crying uncovered dogs and lap or uh, timon fir se chillata hai ki uncover dogs and lap so तो they are found to contain warm water which uh, which with implications he throws in the guest face or वो अपने सारे गेस्ट के चेहरे पर उसे फेंकता है वहाँ पे सिर्फ गर्म आ, पानी होता है और कुछ नहीं होता है अब वो आ, उस city को curse करता है क्योंकि वो दुखी होता है अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर से खुद को एक केब में आ, ले जाता है वहाँ रहना शुरू कर देता है बिल्कुल अकेला वाइल्ड डिगिंग फॉर द रूट्स ही फाइंड अड ऑफ गोल्ड जब वो न, कहीं अपने लिए कुछ खाने के लिए खोद रहा होता है तो उसको गोल्ड मिलता है विच हैज नाउ नो वैल्यू फॉर हिम और वो खुद के लिए उसके लिए उसका उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती क्योंकि अब वो दुखी है आ, अपने दोस्तों के बिहेवियर से हिज इम्बिटेड स्प्रिट स्प्रिट इज मैनिफेस्टेड इन हिज स्टॉक विद अगला जो कैरेक्टर है वो है एल्स उसका जो दुखी उसकी स्प्रिट है Uh, उसकी आत्मा है वो बिल्कुल उससे बात करता है उसके बारे में uh, चालीस फिलोसोफर एपीमेंटस और एक uh, फिलोसोफर होता है एपीमेंटस उससे भी वो बात करता है द थीव्स एंड फ्लैटर अट्रैक्टेड बाय द गोल्ड एंड हिज फेथफुल स्टीवर्ड फ्लेवर्स इन सभी से वो बात करता है अपनी इम्पिट इम्पिटर्ड सोल के बारे में वैन दीनियटर्स ऑफ एथी एथन हार्ड प्रेस्ड बाई अटैक ऑफ एलसीबैड come to entreat him to return to the city and help them, he offers them his victory on which to hang themselves as refuge from affliction. तो उनको जब वहाँ पर उसके लिए हेल्प के लिए आते हैं तो वो उनको ऑफर करता है एक फिक्ट्री. Soon his tomb is found by the Shisor with the epitaph expressing his hatred of mankind. उसका एक उसकी जो कब्र मिलती है बाद में उसमें उसका एपिटाफ लिखा रहता है जिसमें वो अपना हिटर्ड मैनकाइंड के लिए आ, शो करता है आ, प्रिंस पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर ये आपका नेक्स्ट वर्क है ये एक रोमांटिक ड्रामा है द फर्स्ट टू एक्ट्स प्रोबेबली रिटन बाय जॉर्ज विल्किंस और इसके जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं एक्ट्स हैं सॉरी वो जॉर्ज विल्किंस ने लिखे हैं इसके अगर सोर्सेस की बात करें सोर्स स्टोरी ऑफ अपोलोनियस ऑफ टाया इन गावर्स कन्फेसियो अमेंटिस गावर्स का जो वर्क है कन्फेसियो अमेंटिस उससे लिया गया है अप्रोच वर्जन इन सेल्फ ड्राइव्ड फ्रॉम गेस्टा रोमा नोरम पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर बाय लॉरेंस टेवन द प्ले इज प्रेजेंटेड बाय गावास एज कोरस थ्रो आउट जो प्ले है वो गावा प्रेजेंट करता है और वो खुद पूरे प्ले में कोरस का काम करता है टेल्स हाउ हैंग एंटी एंटीकस जो एंटीकस है उसने एक रिडिल होती है उसे सॉल्व uh, करने के लिए रखा होता है तो वो इसको सॉल्व करता है एंड डिस्कवर्ड हिज इनसे रिलेशनशिप विद हिज डॉटर और uh, उसकी जो रिलेशनशिप है उसकी डॉटर के साथ में किंग के साथ में उसको डिस्कवर करता है पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर फाइंड लाइफ इन डेंजर और उसको वो खुद की लाइफ को डेंजर में पाता है जो प्रिंस ऑफ टायर है ही लीव्स हिज गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ हिज ऑनस्ट मिनिस्टर वो दे देता हैली कैनस को अपना Uh, पूरी गवर्नमेंट दे के जाता है एंड सेल्स फ्रॉम टायर टू वेयर टी रिलीव जाता है टायर्स टू चला जाता है ऑफ द कोस्ट ऑफ पेंटापोलिस पैरिकल्स अलोन द ऑफ ए शिप एंड इज अ टूर्नामेंट डिफीट द दूटर्स ऑफ द हैंड ऑफ थेसा डॉटर ऑफ किंग सिमोनिडस होम ही मैरिज अब वो पहुंच जाता है कहाँ पे अगले एक प्लेस पे जो कि उसके जब उसका शिप टूट जाता है उसके बाद और वो एक टूर्नामेंट होता है जो कि हैंड ऑफ थे थेसा के लिए होता है कि जो भी उसमें जीतेगा उसमें उसकी जो मैरिज होगी वो थेसा के साथ होती है डॉटर ऑफ किंग सिमोनिडस तो किंग सिमोनिडस की वो बेटी है और फाइनली वो जब जीत जाता है तो उससे शादी कर ले जाता है हेयरिंग दी एंटीकस है पैरिकलिस आने के लिए वो आ, आ जाता है वापस ड्यूरिंग स्टॉम ऑफ वॉय थाइसा गिवस बर्थ डॉटर मैरिना एंड फेंड्स अब जो बीच में समुद्र में जब आ, एक तूफान आता है उसी टाइम पे मैरिना एक बच्चे को जन्म देती है और उसका उसकी बेटी का नाम होता है मैरिना और उसकी वाइफ थाइसा बेहोश हो जाती है अपेरेंटली इज बरीड एट सी इन अब होता यह है कि Thysa को एक बड़े से बक्से में आ, सी में ही बरी कर देते हैं फेंक देते हैं अब वो एफिसिय एफिस में जाके वो बॉक्स खुलता है और वहाँ पे एक सेम एक जो फिजिशियन होता है इसको ओपन करता है और थेसा को दोबारा से बचा देता है शी थिंकिंग हजबेंड ड्रॉन बिकम्स प्रिस्टेस इन टेम्पल ऑफ डायना, टेम्पल ऑफ डायना में वो एक प्रिस्टिस बन जाती है Paraclus टेक्स मैरिना टू टारस और जो पैरिकलस है वो मैरिना को टारसस ले जाता है वेयर ही लीव्स हर विद इट्स गवर्नर क्लियन एंड हिज वाइफ डिजा उनके साथ ये छोड़ देता है उसे वेन द चाइल्ड ग्रोज अप डिओन इज ऑफ बींग मोर फेवर डॉटर जो चाइल्ड uh, बन जाती है वन द चाइल्ड ग्रोज अप डिओंजा जो डिओंजा थी वो जेलेस uh, हो जाती है फेवर्ड देर ओन डॉटर सीस टू किल हा अब वो उसको मारना चाहती है बट मेरीना इज कैरियड ऑफ बाय पायरेट्स uh, वो उसे ले जाते पायरेट्स उसे ले जाते हैं मैरिना को सोल्ड इन अ टू मिटिल और उसे एक ब्रॉथल में बेच देते हैं वेयर हर प्योरिटी एंड पायटी विन द देशन ऑफ लेकिस जो लेसिमैकस है वो उस ब्रॉथल में उसको uh, उसे इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वो उसे देखता है उसकी प्योरिटी एंड पायटी को देखकर दी गवर्नर ऑफ द सिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द द्रॉडल कीपर सर्वेंट बाउल्ट सिक्योर हर रिलीज और जो बाउल्ट है जो सर्वेंट होता है उस का वो उसको रिलीज करवा देता है उससे जो गवर्नर है वहाँ का वो रिलीज करवा देता है उसके हेल्प से जो ब्रॉडल कीपर होता है उसके हेल्प से इन अ विजन पेरिकल इज शोन मैरिनाज टूम अब उसके एक सपने में पेरिकल्स को मैरिना की टूम दिखती है

डायरेक्ट uh, करती है कि वो जाए उसके टेम्पल में एट इफिश एंड देर द स्टोरी ऑफ हिस लाइफ और वहां उसे अपनी लाइफ को उसकी लाइफ को याद दिलाता है इन डूइंग दिस दिसा हिज लॉस्ट वाइफ रिकोगनाइज हिम और वो जो थाइसा है वो उसको फिर से रिकोगनाइज कर लेती है दोबारा से उसे पता चल जाता है एंड इज री यूनाइटेड विद हस्बैंड एंड डॉटर अब तीनों वो फिर से मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द प्ले burnt by एंड आर of Tarsus as एज penalty ऑफ their wickedness. अब जो दोनों के दोनों Cleon है और है, दोनों को citizens के द्वारा जला दिया जाता है उनकी wickedness के लिए उनके बुरे कामों के लिए उनको जला देते हैं अब जो नेक्स्ट है वो है आपका सिम्बलिन सिम्बलिन का जो सोर्स है वो है हॉलिनशेड मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट बेकेसियोस डेकामेरन इन सारी वर्क से इसको मोटिवेटेड होकर लिखा या उससे कुछ पीसेस लेकर उनको लिखने की कोशिश की है सिम्बलिन को ये सारे उसके सोर्सेस हैं रोमेंस जी बी सो रोट एंड इमेंडेड वर्जन ऑफ़ द लॉन्ग फिफ्थ एक्ट पब्लिश इन 1938 थर्टी एट अंडर दाइटल सिम्बलिन रिफिनिश्ड तो सिम्बलिन रिफिनिश्ड जो है वो वर्क है जो कि बाद में जीबी शॉ ने लिखा था सिम्बेलिन से मोटिवेटेड होके स्टोरी देख लेते हैं इमोजेन डॉटर ऑफ सिम्बेलिन किंग ऑफ ब्रिटेन जो सिम्बेलिन है वो है आपका किंग ऑफ ब्रिटेन और उसकी डॉटर है इमोजेन है जो से वो शादी कर लेती है पुअर बट वो जेंटलमैन

पोस्टमस को क्या कर लिया जाता है बैनिश कर लिया जाता है वहां से इन रोम पोस्टमस बोस्ट ऑफ इमोजिनस वर्चुस एंड मेक्स अ वेगर विद लैचिमो दैट इफ ही कैन सीड्यूस इमोजिन ही शेल हैव अ डायमंड रिंग दैट इमोजिन हैड गिवन हिम अब वो वहां से जब जो पोस्टमस है वो रोम में जाके आ, एक जो है वहां पर लैचिमो एक है एक उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो इमोजिन को सड्यूस कर पाए तो उसे एक डायमंड देगा एक डायमंड रिंग देगा जो कि इमोजिन ने उसको दी थी लेचिमो इज रिपल्स बाय इमोजन बट बाय हाइडिंग इन हर हा, बेड चैम्बर ही ऑब्जस्ट डिटेल ऑफ इमोजेंस रूम एंड हर बॉडी विच पर्स्योर्ड पॉथमस फॉर ऑफर इन एंड ही रिसीव्स द रिंग आ, जो लेचमो है वो क्या करता है कि जाकर छुप जाता है बेड चैम्बर में और उसकी पूरी डिटेल जो इमोजिन के रूम की पूरी डिटेल होती है उसको देखता है और उसकी बॉडी की भी डिटेल्स देखता है और बाद में आकर यही बातें सारी चीज़ें पॉस्टमस को बताता है अब पॉस्टमस को यह विश्वास हो जाता है कि जो इनफिडिलिटी ऑफ इमोजिन वो सोचता है कि यह है सच में वहाँ गया था और उसने उसे सड्यूस किया और पॉस्टमस अपनी जो रिंग है वो आ, लेसिमो को दे देता है पोस्टमस राइट्स टू पिसैनियो पिसैनियो को डायरेक्ट करता है कि डायरेक्टिंग हिम टू किल इमोजिन कि वो जाके इमोजिन को मार दे बट पिसैनियो इंस्टेट प्रोवाइड्स हर विद मेल डिस्काइस वो जाता है उसको मेल डिस्काइस दे देता है सेंडिंग अ ब्लडी क्लॉथ टू पोस्टमस टू हिम दैट डीड इज डन अब वो कहता है कि uh, posthumus, तो posthumus को डिसीव करने के लिए ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो उसने uh, पिसैनियों ने इमेज को मार दिया है वो ये ब्लडी क्लॉथ्स उसके लिए भेजता है अंडर द नेम फिडल अब जो फिडिल नेम से इमोजिन बन जाती है एक मेल बिकम्स अ पेस टू बेलेरियस एंड द टू लॉस्ट सन्स ऑफ सिम्बल इन गिलस एंडस तो ये लिविंग इन अ केव ऑफ वेल्स वो सारे के सारे एक वेल्स की केव में रह रहे होते हैं फिडिल्स सिकंस एंड फाउंड एज डेड द ब्रदर्स हु डर्ज फियर नो मोर हीट

ये पोस्टमस उसका जो हस्बैंड था जिससे उसने सीक्रेटली उसने शादी की थी उसकी डेड बॉडी है और रोमन इनवाइट करती है इमोजिन फॉल्स इन टू देंड्स ऑफ जनरल लूसियस एंड बिकम्स हिस पेस और जो लूसियस है जनरल लूसियस है वो उसके साथ में उसका पेज बनती है उसे एक रैंक मिल जाती है वहां पर उसके साथ बिटॉन्स

हैज अजन इन जेल ऑफ़ अल फैमिली एंड जुपिटर उसको जेल में एक सपना देखता है अपनी फैमिली का और जुपिटर का हु लीव्स अ प्रोफेटिक डॉक्यूमेंट विद हिम प्लीट्स विद सिम्बलिन फॉर द लाइफ ऑफ फिडल इमोजिन जो फिडल थी वही इमोजिन है लूसियस उसके लिए उसकी लाइफ के लिए सिम्बलिन से प्लीट करता है मूव्ड बाई समलियर इन दस लाइफ एंडल हाउ ही है कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से मिली उसे पोस्ट मस्ट लर्निंग फ्रॉम हिज कन्फेशन दैट हिज वाइफ इज इनोसेंट बट बिलीविंग हर डेथ इज इन डिस्पेयर टिल्फ अब पोस्ट में सोचता है कि उसकी वाइफ क्या है मर चुकी है बट बाद में उसे ये बात पता चल जाती है द किंग्स जॉय एट रिकवरिंग हिज डॉटर इज इंटेंसिफाइड वैन बैलरस रिस्टोर टू हिम हिज टू लॉस एंड सीन एंडस इन जनरल रिकन्सिलेशन और जो किंग है उसे अपनी डॉटर मिल जाती है दो बेटे मिल जाते हैं और जो ये सीन जो एंड होता है वो एक सभी के मिलने के साथ में एंड हो जाता है posthumous rewards uh, posthumous words to Imogen on being reconciled reconciled with her hang there like fruit my soul till the tree die where uh, so ye आपको याद रखना है कि ये Posthumus ने इसे गाया था described by Tennyson as the tenderest line in Shakespeare जो uh, Tennyson ने इस लाइन को सबसे tender line कहा था सबसे टेंडर मीन्स सॉफ्ट सॉफ्ट लाइन बाय शेक्सपियर कहा था किसने टेनिसन ने विंटर स्टेल वन ऑफ द प्ले पुट ऑन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ प्रिंस एलिजाबेथ एंड एलेक्टोर पैलेटाइन तो ये जो विंटर स्टेल है ये सेलिब्रेट करने के लिए मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ एंड एलेक्टोर पैलेटाइन के लिए, लिए लिखा गया था उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था और ये ग्रीन के पेंडेस्टो से का ये सोर्स था लियोन लियोन्टस किंग ऑफ सिसली एंड हरमियन द वर्चुअस वाइफ आर विजिटेड बाय लियोन्टस चाइल्डहुड फ्रेंड पॉलिक्सिन किंग ऑफ बोहिमिया तो ये है किंग ऑफ बोहिमिया कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं आप लिस्ट बना सकते हैं इनकी लियोट्रस प्रेजेंट कन्विज हिमसेल्फ दैट हरमोइन एंड पैलेक्स आर लवर्स जो कन्विंस करता है उसे खुद को ये बात कन्विंस करता है कि जो हारमोइन है और पॉलिकसेंस आर लवर अटैम्प टू प्रोक्योर द डेथ ऑफ द लेट अबाई पॉइजन और वो चाहता है कि पॉलिक को पॉइजन दे के मार दिया जाए एंड ऑन दिन हिज स्केप इज इम्प्रिजेंस हरमोइन और हरमोइन को वो इम्प्रेजेंट कर लेता है हु गिव्स गिव्स बर्थ टू आर डॉटर और उसकी हरमोइन uh, की एक डॉटर uh, वहां पर जेल में होती है पॉलिना वाइफ ऑफ एंटीगोनस सिसिलियन लॉर्ड जो पॉलिना है वो वाइफ ऑफ एंटीगोनस है वो एक सिसलियन लॉर्ड है ट्राइज टू मूव द किंग्स कंपैशन बाय ब्रिंगिंग द बेबी टू हिम बट इन वेन वो उस बेबी को लेकर किंग के पास चला जाता है

ही सून लर्न्स डैट इज सन मैमिलस हैज डाइड ऑफ सॉरो ऑफ हारमोइंस ट्रीटमेंट और उसे पता चलता है कि उसका जो बेटा है मैमिलियस वो हारमोइन के साथ में जो ट्रीटमेंट होता है उसके दुख से मर जाता है एंड शॉर्टली आफ्टर दैट हारमोइन हर सेल्फ इज डाइड इज डेड वो भी मर जाती है हारमोइन भी मर जाती है एंड इस फील्ड विद रिमोट्स और जो राजा है वो खुद रिमोट्स uh, पश्चाताप से भर जाता है Meanwhile, Antigonus leaves the baby girl Peridita on the shore of on the shore of sorry shore of Bohemia and is himself killed by a bear. So, a bear के द्वारा वो मारा जाता है. Peridita is found and brought up by a shepherd. जो Peridita है, उसको एक shepherd आ उसको पालता है. Sixteen years pass और 16 साल बीत जाते हैं story को. when she grows up florizel son of king polixenes fall in love with her and his love is returned ab jo polixenes kisan of polixenes hai wo florizel hai aur wo jab dekhta hai daughter of king ko तो वो use प्यार करने लग जाता है, and uh, this is discovered by polixenes to avoid whose anger पर्डिटा एंड द ओल्ड शेफर्ड फ्ली फ्रॉम बोहिमिया टू द कोर्ट ऑफ लियोनेटस कोर्ट ऑफ लियोनेटस में आ जाते हैं वो सारे लोग क्योंकि पॉलिक्सिन uh, को जब पता चलता है uh, सच्चाई का तो वो उनके गुस्से से बचने के लिए पॉलिक्सिन के गुस्से से बचने के लिए वो कोर्ट ऑफ लियोनीटस में आ जाते हैं वेयर द आइडेंटिटी ऑफ पोर्डिटा इज डिस्कवर्ड लियोट इज लिय ग्रेट जॉय एंड द रिवाइवल ऑफ हिज ग्रीफ फॉर द लॉस ऑफ हारमोइन अब वो फिर से खुश हो जाता है जब उसे के बारे में पता चलता है पोलिनाम स्टेचूट पोलिना उसे बताती है कि आ, एक स्टेचू के बारे में जो बिल्कुल हारमोइन जैसी दिखती है एंड वेन द किंग्स ग्रीफ इज इंटेंसीफाइड बाई द साइट ऑफ दिसम्स टू लाइफ एंड रिवील्स हर सेल्फ एज लिविंग हारमोइन और जो जब किंग जो होता है वो बहुत दुखी होता है तो जो स्टैचू होती है वो रियल लाइफ में आ जाती है एंड हारमोइन uh, जो होती है उसके सामने आ जाती है हुज डेथ पॉलिना हैड फॉर्स्टली रिपोर्टेड इन ऑर्डर टू सेव हर लाइफ जो कि एक्चुअल में क्या होता है पॉलिना ने uh, फॉल्सी रिपोर्ट किया होता है कि हरमोइन uh, जो है वो मर चुकी है उसकी लाइफ को बचाने के लिए लेकिन वो मरी नहीं होती है असलियत में वो मरी नहीं होती है पॉलिकस इज रिकल्ड टू अ मैरिज ऑफ हिज सन विद पर्डिटा एंड ऑन फाइंडिंग दैट द शेफर्ड गर्ल इज रियली द डॉटर ऑफ फॉर्मर फ्रेंड लियोनिटिस तो जब उसे पता चलता है पॉलिकस को कि ये जो डॉट पर्डिटा है वो एक्चुअल में लियोनिटस उसकी उसका जो फ्रेंड है उसकी बेटी है तो इस बात के लिए हा कह देता है

टू दी यूनिटीज जो डॉक्टर जॉनसन ने ये इस प्ले के बारे में टेम्पेस्ट के बारे में लिखा है प्रॉस्पेरो इज देअ एंड इंस्पायर्ड न्यूमेरस अदर वर्क्स लाइक मिल्टन कैमस जो प्रॉस्पेरो है जो इसमें वर्क है उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया लेटर राइटर्स को इंस्पायर किया लिखने के लिए जैसे मिल्टंस कॉमस जो है वो इसी पे डिपेंड है शैलिज एरियल टू मिरांडा ब्राउनिंग्स कैलिबन अपॉन सेटबॉस और डब्ल्यू एच ऑर्डन सीरीज ऑफ पॉइंटिंग मेडिटेशन दी एंड दिरा ये सभी जितने वर्क्स हैं ये आ, जो वर्क है द टैम्पस्ट उस पर डिपेंड है जो कैरेक्टर था प्रोस्पेरो इसने इन सभी को मोटिवेट किया प्रोस्पेरो कौन है वो है आपका ड्यूक ऑफ मिलन इस स्टोरी में आउस्टेड फ्रॉम हिज थ्रोन बाय हिज ब्रदर एंटोनियो उसको uh, उसका जो राज्य है वो छीन लिया गया है उसके ब्रदर एंटोनियो के द्वारा एंड टर्न ड्रिफ्ट ऑन द सी विद हिज चाइल्ड मिरांडा और वो अपने जो चाइल्ड है मिरांडा के साथ में प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलन जो है वो कास्ट अपॉन लोनली आइलैंड आइलैंड एक लोनली पे रहते हैं। दिस हैड बीन प्लेस फॉर ऑफ विच है वो भी वहीं रहती है प्रॉस्पेरोस्रिट इंक्लूडिंग एरियल तो प्रॉस्पेरो मैजिक आता है तो उसी मैजिक की वजह से उसने बहुत सारी वेरियस जो स्प्रिट्स हैं उनको रिलीज किया है फॉर्मली इम्प्रिजन बाय द विच जो विच है उसने उन सभी को इम्प्रिजन किया हुआ था दीज नाउ ओबे हिज ऑर्डर्स और वो सभी क्या करते हैं आ, उसके ऑर्डर्स को मानते हैं प्रोस्पेरो के ऑर्डर्स को मानते हैं ही आल्सो यहाँ पे जो स्टोरी थी उसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि विच का जो सन है कैलिबन वो अकेला वहां पर रहता था उस आइलैंड पे प्रोस्पेरो और मिरांडा बारह साल से वहां पर हैं अभी अब होता यह है कि एक बार जो किंग जो असप था जिसने उसका भाई जो था आ, प्रोस्पेरो का वो और अलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स हिज ब्रदर सेबेस्टियन एंड सर फोर्डिन ये सारे के सारे उसमें बैठ कर आते हैं इस बाय द आर्ट ऑफ प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो है वो अपने मैजिक से उस शिप को रैक कर देता है और वो सारे उस आइलैंड पर आ जाते हैं द पैसेंजर्स आर सेव्ड बट इज़ फोर्डिन थिंक्स दिस इज देर फिट पैसेंजर आज सिर्फ सारे पैसेंजर क्या होते हैं बचा दिए जाते हैं लेकिन जो फोर्डिनेंट था वो सोचता है कि सारे के सारे डूब चुके हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेरो प्लान फोर्डिनेंट एंड मिरांडा आर थ्रोन टुगेदर जो फोर्डिनेंट और मिरांडा है दोनों को एक साथ रखा जाता है फॉल इन लव एंड प्लाइट ट्रुथ अब वो उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों के दोनों को सच्चाई का पता चलता है

वो एलेंसो एंड गोंजालो को मारने के लिए एक प्लानिंग uh, करते हैं एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर हु हैड हेल्प्ड प्रॉस्पेरो इन हिज बैनिशमेंट जो गोंजालो है और एलेंसो है वो uh, उन्होंने प्रॉस्पेरो को पहले बैनिश करने के लिए हेल्प की थी कैलिबन ऑफर्स हिज सर्विसेज टू स्टेफेनो अ ड्रंकन बटलर एंड ट्रिंकुलो अ जेस्टर एंड परसुएट्स देम टू ट्राई टू मर्डर प्रॉस्पेरो अब जो कैलिबन है वो अपनी सर्विसेज स्टेफेनो को देता है और ट्रिंकुलो को देता है और उनको कहता है कि आप जाके क्या कर दो प्रोस्पेरो को मार दो एज दियर कंस्परेसी नियरस्ट हिम प्रॉस्पेरो ब्रेक्स ऑफ द मास्क ऑफ आयरिस जूनो और सेरिस विच एरियल हैज प्रेजेंटेड टू फोर्डिन एंड मिरांडा तो जो प्रॉस्पेरस है वो मास्क ऑफ एरिस जूनो और सेरिस को ब्रेक कर देता है जो एरियल ने एंड मिरांडा को दिया था कैलिबन स्टेफेनो एंड ट्रिंक्लो आर ड्रिवन ऑफ एंड एरियल ब्रिंग्स द किंग एंड हिज कोर्टियर्स टू प्रॉस्पेरस सेल अब जो कैलिबन है कैलिबन स्टेफेनो ट्रिंक्लो आर ड्रिवन और एरियल जो है वो क्या करता है जो किंग है उसको और उसकी कोर्टियर्स को प्रॉस्पेरस के सेल में लेकर आ जाता है देयर ही ग्रीट्स माई ट्रू प्रिजर्व फॉरगिव्स हिज ब्रदर एंटेनियो ऑन कंडीशन दैट ही विद मिरांडा तो सभी वहां पर मिल जाते हैं ओलनसो अपने बेटे फोर्डिन से मिल जाता है और बाकी सभी लोग वहां पर आ जाते हैं वायल्सो रिपेंड्स फॉर वट ही Antonio and Sebastian do not speak directly to Prospero but exchange ironical and cynical comments with each other dono Antonio or Sebastian ek dusre se, uh, Prospero se baat karte aur, ironical or cynical comments pass karte hain. The boatswain and master of ship appears to say that it has been magically repaired and that the crew is safe वो कहते हैं कि मैजिकली ये जो शिप uh, था वो रिपेयर हो गया है और जो क्रू है वो सेफ है बिफोर ऑल इम्बाक फॉर इटली प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल एरियल को प्रॉस्पेरो फ्री uh, कर देता है फ्रॉम हिज सर्विस रिनाउंसेज हिज मैजिक एंड लिव्स कैलिबन वंस मोर अलोन ऑन द आईलैंड अब जो जब सभी लोग जा रहे होते हैं इटली के लिए तो फिर से लास्ट में कैलिबन फिर से अकेला वहाँ पर रह जाता है अब बात करते हैं, हैं हेनरी एट की हिस्टोरिकल ड्रामा दिस इज हिस्टोरिकल ड्रामा हेनरी एट्थ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी किंग्स एंड क्वीन्स से रिलेटेड जितने भी हैं वो मोस्ट ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा हैं आप उन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं कंप्लीटेड बाय जॉन फ्लेचर, जो ये था ये इनकम्प्लीट वर्क था बाय शेक्सपियर अब इसे कंप्लीट किया गया है जॉन फ्लेचर के द्वारा सोर्सेज की बात करें जितने भी हिस्टोरिकल के ड्रामा थे शेक्सपियर के उन पे हॉल शेड्स क्रॉनिकल्स का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है फॉक्सेस आर्ट साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ थीस लेटा एंड पेरलस डेनस टचिंग मैटर ऑफ द चर्च पॉपुलरली नोन एज द बुक ऑफ मार्टियर्स तो ये सारे जो है वो हैं वो सोर्सेज हैं हैंनरी एट्थ के इट्स इट अर्ली प्रोडक्शन कंसर्न विद द मैरिज ऑफ फेबरटीन थर्टीन ऑफ फ्रेडरिक दी इलेक्टर पैलेटाइन एंड द प्रिंस एलिजैथ डॉटर ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड एन ऑफ डेनमार्क तो ये जो है ये भी मैरज से कंसर्न है जो कि फेबर थर्टीन में हुई थी सिक्सटीन थर्टीन में हुई थी ऑफ फ्रेडरिक द इलेक्टर ऑफ पैलेटाइन एंड प्रिंसेस एलिजथ के साथ में डॉटर ऑफ जेम्स फर्स्ट जो प्रिंसेस एलिजैथ थी वो डॉटर ऑफ जेम्स फर्स्ट है एन ऑफ डेनमार्क के साथ में जो जेम्स फर्स्ट और एन की जो डॉटर है वो है आपकी एलिजाबेथ और उसकी जो मैरिज है वो फ्रेडरिक के साथ हो रही है इट्स परफॉर्मेंस इन जून सिक्सटीन थर्टीन रिजल्टेड इन बर्निंग डाउन ऑफ द ग्लोब थिएटर और जो इसकी परफॉर्मेंस हुई थी जून सिक्सटीन थर्टीन में उसके बाद जो ग्लोब थिएटर था उसको बर्न डाउन कर लिया गया था It deals with the falls of the execution of the Duke of Buckingham, the question of the royal di divorce vividly depicting the dignity and resignation of Queen Catherine, the pride and fall of Cardinal Wolsey and his death, the advancement and coronation of Anne Boleyn, the triumph of Cranmer over his uh, enemies and the questioning of the Princess uh, Elizabeth so this is the story of the work so now we have completed all the works by shakespeare in next session we will cover more dramas thank you for watching see you in next lesson